नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा में 6 साल की बच्ची के साथ भाई ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। खबर रीवा से है, जहां जनेर थाना क्षेत्र से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां रिश्ते के भाई ने ही 6 साल की अबोध बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना उस वक्त हुई जब परिजन बच्ची को लेकर देर रात खेत में काम करने गए थे। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रीवा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। परिजनों के साथ खेत पर गई थी बच्ची। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार देर रात 6 साल की बच्ची अपने परिजनों के साथ खेत पर गई थी। परिजन खेत में धान की फसल ट्रैक्टर में लोड कर रहे थे। देर रात होने के चलते बच्ची को नींद आ गई, जिसके बाद परिजनों ने ट्रैक्टर से करीब 60 मीटर की दूरी पर उसे सुला दिया। काम करने के बाद बच्ची के साथ सोया था आरोपी। इसी बीच देर रात बच्ची के रिश्ते का भाई भी नशे की हालत में काम करने खेत पर पहुंच गया। काफी देर तक बच्ची के परिजनों के साथ खेत में काम किया और बाद में वह जाकर बच्ची के बगल में सो गया। पिता जब अपनी बच्ची को देखने पहुंचा तो आरोपी बच्ची के पास ही सो रहा था। बच्ची के साथ अर्धनग्न अवस्था में था आरोपी। आरोपी के नापाक इरादों से अनजान बच्ची का पिता उसे रिश्ते का भाई मानकर वापस लौट गया। कुछ देर बाद अचानक बच्ची की चीख परिजनों ने सुनी और दौड़ते हुए वह उसके पास पहुंच गए। उस दौरान वहां बच्ची की हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए। आरोपी बच्ची के साथ अर्धनग्न अवस्था में था। पुलिस के हवाले की आरोपी घटना से गुस्साए बच्ची के परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के परिजनों ने जनेर थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने पीड़ित बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।